हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। आज हम वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम के अपना दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि बैकएंड क्या होता है या फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड क्या होता है, जैसे आपका वेबसाइट होता है तो उसका लुक्स कैसे दिखेगा और क्लाइंट उसे कैसे एक्सेस करेगा। तो जो क्लाइंट का आप फॉर्मेट तैयार करते हो, क्लाइंट साइड से बोलते हैं, जहाँ पे क्लाइंट जो एक्सेस करेगा, जो चीजें उसे दिखेंगी, वो होता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट रेफर टू द क्लाइंट साइड, मतलब फ्रंट एंड जो होता है वो रेफर्स करता है क्लाइंट साइड को कि उसका वेब पेज कैसे दिखेगा। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सर्वर साइड, बैकएंड जो होता है वो सर्वर साइड को रेफर करता है। हाउ अ वेब पेज वर्क्स, वेब पेज कैसे वर्क करता है, ये चीजें आपकी बैकएंड के थ्रू होती है कि कैसे वेब पेज पे काम होगा वो आपका बैकएंड पे होगा, और कैसे क्लाइंट को दिखेगा, क्लाइंट को वेब पेजेस कैसे दिखेंगे, ये आपके फ्रंट एंड होते हैं। फ्रंट एंड कोड इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट। फ्रंट एंड कोड का यूज आप स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। वेयर द पर्पज टू डिस्प्ले द वेब पेज, जहां पे इसका केवल पर्पज होता है वेब पेज को दिखाना। फ्रंट एंड का यूज आप स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए करते हो और जिसका पर्पज होता है वेब पेज को दिखाना। हाउएवर इफ यू वांट टू मेक योर वेबसाइट डायनेमिक, यदि आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना चाहते हैं, फाइल्स मैनेज करना चाहते हैं, डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, या फिर आप कोई फॉर्म लगाना चाहते हैं कि वहां से मेंबर रजिस्टर हो सके या कॉन्टेक्ट डिटेल अपना सेंड कर सके, वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो, आप यूजर का कंट्रोल एक्सेस देना चाहते हैं, कौन सा यूजर क्या क्या वर्क करेगा, ये चीजें आप सेट करना चाहते हैं, तो ये आप बैकएंड के थ्रू करेंगे। जब आपको कोई डायनेमिक वेबसाइट बनानी होती है तब तो आप बैकएंड का यूज करते हैं। यू नीड टू लर्न अ बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब आपको एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कई सारे हैं, लेकिन जो इस समय पॉपुलर हमारे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर है वो PHP है, पाइथन है, या फिर आपका ASP.NET है। ये तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें से एक लैंग्वेज आपको एटलीस्ट आनी चाहिए अगर आपको बैकएंड प्रोग्रामिंग करना है। एंड यूज SQL टू कम्युनिकेट डेटाबेस, और आपको SQL के बारे में समझना पड़ेगा, SQL को यूज करना पड़ेगा डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और प्लस में SQL के बारे में सीखना पड़ेगा कि कैसे आप डेटाबेस कनेक्शन कराएंगे, तब जाकर के आप एक बैकएंड पैनल डेवलप कर सकते हैं और वहां से आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं, जिससे यूजर उसे अपनी जो भी फाइल्स एडिटिंग वगैरह करना है या डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म में कुछ कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको रिसीव करना है, डेटा रिसीव करना है, या फिर आपको मेंबर्स को जोड़ने हैं, यूजर का आपको लॉगिन बनाना है, उसको एक्सेस सेट करना है, तो ये सारी चीजें आप बैकएंड के थ्रू वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है HTTP क्या होता है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। WWW क्या होता है, WWW इज अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो WWW के माध्यम से होता है। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड वेब सर्वर इज डन बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट। जो कंप्यूटर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं और जो वेब सर्वर होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP रिक्वेस्ट सेंड करना होता है वहां पे, और HTTP रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स होता है वो फिर वहां पे मतलब क्लाइंट कंप्यूटर पे रिसीव होता है, और जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है वो वेब सर्वर को भेजा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन के बारे में, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर, मतलब वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, WWW के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। क्लाइंट्स आर ऑफ्टन ब्राउजर्स, क्लाइंट ब्राउजर्स के थ्रू इसको यूज करते हैं, जैसे क्रोम, एज, सफारी, ये सारे हमारे ब्राउजर हैं। बट दे कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम और डिवाइसेज, और वो किसी भी प्रोग्राम या डिवाइस में इसको यूज कर सकते हैं। सर्वर आर मोस्ट ऑफ्टन कंप्यूटर
इन द क्लाउड। क्लाउड में आपका सर्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, जैसे वेब क्लाइंट है, क्लाउड है और वेब सर्वर है। तो वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट डालता है वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो क्लाउड के माध्यम से वेब क्लाइंट को रिसीव करता है, और या फिर जो वेब क्लाइंट मतलब रिक्वेस्ट डालता है वो भी क्लाउड के माध्यम से वेब सर्वर तक पहुंचता है। नेक्स्ट यहाँ नीचे आपको बताया गया है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में, रिक्वेस्ट क्या क्या होता है और कैसे रिस्पॉन्स हमें रिसीव होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जो कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे होता है। रिक्वेस्ट सेंड होता है और वहां से रिस्पॉन्स हमें सर्वर के थ्रू क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है। क्लाइंट अ ब्राउजर, क्लाइंट एक तरीके का क्लाइंट एक ब्राउजर होता है, स्टैंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब, मतलब यहाँ से आप ब्राउजर के थ्रू एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो। वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, वेब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। द सर्वर रन एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, सर्वर एक एप्लीकेशन वहां पे रन करता है और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। द सर्वर रिटर्न एन HTTP रिस्पॉन्स, और सर्वर HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है आउटपुट के थ्रू, आउटपुट के रूप में टू द ब्राउजर, ब्राउजर को। द क्लाइंट, क्लाइंट द ब्राउजर रिसीव द रिस्पॉन्स, ब्राउजर रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, वहां पे डिस्प्ले कराता है। द HTTP रिक्वेस्ट सर्किल के बारे में यह बताया गया है, कैसे HTTP रिक्वेस्ट का सर्किल होता है। अ टिपिकल HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्कल, अब द ब्राउजर रिक्वेस्ट एन HTML पेज, ब्राउजर HTML पेज रिक्वेस्ट करता है, द सर्वर रिटर्न एन HTML पेज, और सर्वर उसे HTML पेज ही रिटर्न करता है। सपोज आपने कोई प्रोग्रामिंग, कोई वेबसाइट आपने PHP में बनाया है, कोई वेब पेज आपने PHP में क्रिएट किया हुआ है, आपने सर्वर पे डाल रखा है, तो सर्वर क्लाइंट को PHP फाइल ना दिखा करके उसको HTML के टाइप में उस फाइल को दिखाएगा, मतलब जो रिस्पॉन्स होगा, जो आउटपुट आएगा क्लाइंट के पास, वो HTML पेज में ही उसको वहां डिस्प्ले होगा। जो इसकी प्रोग्रामिंग होगी, जो एप्लीकेशन रन होंगे, वो आपके सर्वर पे ही रन होंगे, सर्वर पे रन होकर के सीधा उसका रिस्पॉन्स HTML फाइल में क्लाइंट को रिसीव हो जाएगा। द ब्राउजर रिक्वेस्ट स्टाइल शीट, जैसे ब्राउजर स्टाइल शीट रिक्वेस्ट करता है, द सर्वर रिटर्न्स अ CSS फाइल, तो सर्वर उसे एक CSS फाइल रिटर्न करता है। द ब्राउजर रिक्वेस्ट एन JPG इमेज, अगर ब्राउजर JPG इमेज रिक्वेस्ट करता है, द सर्वर रिटर्न्स अ JPG फाइल, सर्वर वहां पे एक JPG फाइल रिटर्न करता है। द ब्राउजर रिक्वेस्ट JavaScript कोड, ब्राउजर जैसे JavaScript कोड रिक्वेस्ट करता है, द सर्वर रिटर्न अ JS फाइल, तो सर्वर उसे एक JS फाइल रिटर्न करता है। द ब्राउजर रिक्वेस्ट डेटा, द सर्वर रिटर्न डेटा इन XML और JSON फाइल, ब्राउजर जैसे डेटा रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसे XML या JSON फाइल में डेटा रिटर्न करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है XHR XML HTTP रिक्वेस्ट, या तो आप XML HTTP रिक्वेस्ट बोले या XHR पे बोल सकते हैं। ऑल ब्राउजर्स हैव बिल्ट इन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट XHR, मतलब जितने भी ब्राउजर्स होते हैं वो XHR में बने होते हैं। XHR इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, XHR एक तरीके का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन वेब सर्वर, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। डेटा को ट्रांसफरिंग करने के लिए, जैसे ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफरिंग के लिए XHR का यूज होता है, इसे आप XML HTTP रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। XHR इज ऑफ्टन यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड रिसीव डेटा फॉर द पर्पज ऑफ मॉडिफाइंग अ वेब पेज। XHR जैसे यूज किया जाता है डेटा को रिसीव करने के लिए, या जो वेब पेजेस होते हैं उनमें मॉडिफाइंग वगैरह जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उस डेटा को यहाँ पे रिसीव करने के लिए XHR का यूज होता है। डिस्पाइट द XML एंड HTTP इन द नेम, XHR यूज्ड विद अदर प्रोटोकॉल्स देन HTTP, XHR एक अदर प्रोटोकॉल्स के थ्रू यूज होता है HTTP के HTTP के बाद में, एंड द डेटा कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप, और डेटा हमारे कई सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे HTML, CSS, XML, JSON एंड प्लेन टेक्स्ट, ये हमारे एक टाइप के डेटा होते हैं।
The XHR object is a web developer's dream because you can update a web page without reloading the page. XHR एक तरीके का developers का dream होता है, जिससे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप web page को update कर सकते हैं बिना reload किए. Request data from a server, data से request आप server से मांग सकते हैं, डाल सकते हैं, request डाल सकते हैं. After the page has loaded, page जब load होता है. रिसीव डेटा फ्रॉम अ सर्वर, आप डेटा सर्वर से रिसीव करेंगे. आफ्टर द पेज हैज लोडेड, पेज जब लोड होता है उसके बाद आप वहां से डेटा रिसीव करते हैं सर्वर से. सेंड डेटा टू द सर्वर, डेटा आप सर्वर को सेंड करते हैं इन द बैकग्राउंड में, आप सेंड करेंगे लेकिन वो चीजें बाहर शो नहीं होंगी. और आप कोई भी चेंजेस वगैरह आपके वेब पेजेस में बिना रीलोड किए उसको अपडेट कर सकते हैं. द XHR ऑब्जेक्ट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स एंड जेएसएन. एक XHR ऑब्जेक्ट जैसे एजेक्स एंड जेएसएन कॉन्सेप्ट के वर्क होता है इनका. जैसे आपका एक ब्राउजर है, बीच में इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से वो सर्वर से जुड़ता है, देन सर्वर इंटरनेट के माध्यम से ही ब्राउजर पे जो भी रिस्पॉन्स होता है वो शो करता है. एंड इवेंट ऑफ क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सेंट HTTP रिक्वेस्ट. यहाँ से एक ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर के पास में. प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट, वहां पे जो रिक्वेस्ट उसने भेजा है उसकी प्रोसेसिंग होती है सर्वर पे. क्रिएट अ रिस्पॉन्स, और वहां पे एक रिस्पॉन्स उसका बनता है. एंड सेंड डेटा बैक टू द ब्राउजर, और वहां पे डेटा जो रिस्पॉन्स डेटा बनता है वो ब्राउजर को दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजर के पास में. प्रोसेस द रिटर्न डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो रिटर्न डेटा आता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट का यूज करके प्रोसेसिंग किया जाता है. अपडेट पेज कंटेंट, वहां पे आपका पेज कंटेंट अपडेट होता है. ये टोटल वर्किंग होता है XHR ऑब्जेक्ट का, या आप बोल सकते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का. नेक्स्ट हम अगले स्लाइड में समझेंगे कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप, लिंक्डइन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे जो भी वीडियो हम वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट से डालेंगे वो आप उसका आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन्स या डिवाइस पे शो हो जाएगा. आप हमारा ऐप भी गूगल प्ले के थ्रू जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं ITLS Academy के नाम से. आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.itlsacademy.com. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.